2.1011। तो ये डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। इससे पहले जो हमने एग्जांपल किए वो डेसिमल पार्ट में नहीं थे। जनरली नंबर्स आर लाइक 25 को तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, 46 नंबर है डेसिमल में, कोई भी नंबर है हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये जो नंबर दे रखा है मैंने 0.1011, क्लियर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आज। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो तुम 2^0 से स्टार्ट करते हैं, ओके। डेसिमल के जो तुम्हारा लेफ्ट वाला पार्ट है जिसको हम इंटीजर पार्ट बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट में अगर आ जाओ तो इंटीजर पार्ट होता है, डेसिमल के राइट वाला पार्ट जो होता है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ओके। इंटीजर पार्ट को हम किस तरह से करते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, 2^0 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है इंटीजर पार्ट में सिर्फ, तो हम जीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2^0 से। 2^0 कितना होता है, 1, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने भी नंबर इधर लिखे हुए होते हैं ना उन सब को 2^0, 2^1, 2^2 मल्टीप्लाई करते रहना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो फ्रैक्शनल पार्ट जो हमारा डेसिमल के राइट में स्टार्ट हो रहा है फ्रैक्शनल पार्ट, वो हमारे पास है 1011। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट हमारे पास जो बिट है वो है 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2^-1 से, ओके। इंटीजर पार्ट में 2^0 से स्टार्ट करना है तुमने, और फ्रैक्शनल पार्ट को 2^-1 से स्टार्ट करना है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2^-1 से, और 2^-1 कितना होता है, 1/2, यानी कि 1/2^1 हो जाएगा। ये नेगेटिव पावर्स हैं, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाती हैं। मैथ्स कर रखा है अगर, नहीं कर रखा तो मैं बता देती हूँ तुम्हें, जितनी भी नेगेटिव पावर्स होती हैं उनको तुम 1/ अगर करके लिखते हो तो वो पॉजिटिव पावर्स हो जाती हैं। तो 2^-1 इज इक्वल टू 1/2^1 विच इज इक्वल टू 1/2, एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, अब हमने 2^-2 से, देखो 2^-1, 2^-2, 2^-3, 2^-4, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2^-2 से, इसको भी पॉजिटिवली में कन्वर्ट करेंगे, 1/2^2 बन जाएगा ये, और ये किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। 1/4 इज इक्वल टू 0.25, 1 को 4 से डिवाइड करके देख लेना, 0.25 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पावर आएगी 2^-3, 2^-3 इज इक्वल टू 1/2^3, 2^3 कितना होता है, 8, 2 × 2 × 2, 2 को 3 मल्टीप्लाई करके देख लेना 8 आएगा, विच इज़ इक्वल टू 0.125। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2^-4, विच इज़ इक्वल टू 1/2^4, विच इज़ इक्वल टू 1/16, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 को 16 से डिवाइड कर लेना, 0.0625, ओके। तो राइट नाउ हमें 2^-4 तक की ज़रूरत है, देखो 4 यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स है, 1011, 2^-1, 2^-2, 2^-3, 2^-4, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें 2^-5 की। तो जितने भी ये तुम्हारे पास कैलकुलेशंस आई हैं इनको इनके डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0.25 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0.125 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0.0625 को 1 से मल्टीप्लाई करो। ये देखो, ये सबको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से करना है। देखो 1 को मल्टीप्लाई किससे किया, 1 × 2^-1 से 0.5, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 1 को 2^-3 से किया 0.125, और यहाँ 1 को 2^-4 से किया तो 0.0625। तो जितने भी राइट साइड पर डेसिमल पार्ट में डिजिट्स हैं उनको 2^-1 से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो इन सबको। जैसे इंटीजर पार्ट में ऐड किया था 2^0 से स्टार्ट किया था, यहाँ 2^-1 से स्टार्ट करना है, और इन सबको अब ऐड कर लो तो आंसर आएगा 0.6875 इन डेसिमल पार्ट। तो हमने कन्वर्जन किस में की है, बाइनरी टू डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल। फॉर दिस एग्जांपल द डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी नंबर 0.1011 इन बाइनरी
इज़ 0.6875 इन डेसिमल। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, तो इस तरह से तुमने कन्वर्ट करके दिखाना है। ये हमारा एक क्वेश्चन आज हो गया, बाइनरी टू डेसिमल फ्रैक्शन। ये मैंने आज फ्रैक्शन कन्वर्ट करके तुम्हें सिखाया है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारे पास है 0.8125 डेसिमल में दिया हुआ है हमें ये, ओके डेसिमल में दे रखा है हमें ये पार्ट, और हमें इसका बाइनरी कैलकुलेट करना है। तो कन्वर्जन हमारी क्या है, डेसिमल टू बाइनरी। इसे पहली कन्वर्जन हमने क्या की है, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, टू रेस्ट पावर से मल्टीप्लाई करते जाना है। डेसिमल टू बाइनरी हमें कैसे करना है, यहाँ पर देखो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, उसको हमें टू से मल्टीप्लाई करते रहना है। किसी को अगर याद हो तो डेसिमल टू बाइनरी में क्या होता है, जो तुम्हारा इंटीजर पार्ट होता है ना, उसको टू से डिवाइड करना होता है। लाइक मान लो यहाँ पर 0.8125 की जगह पर अगर मैं 26 लिख दूँ डेसिमल में, और 26 को तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 26 को हम क्या करते रहते हैं, टू से डिवाइड करते रहते हैं, ओके और जो रिमाइंडर्स आते हैं हमारा वन और ज़ीरो की फॉर्म में, उसको हम बॉटम टू टॉप लेके लिख लेते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को देखो कैसे करना है, टू से डिवाइड नहीं करना, टू से मल्टीप्लाई करते जाना। अब 0.8125 है, फ्रैक्शनल पार्ट पे ध्यान दो। देखो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई करना है, 8125 को टू से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर आएगा 1.625। कोई भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, देखो टू से यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 5 10, ओके यहाँ ज़ीरो लगा लेना चाहे, ओके 2 5 10 ज़ीरो, 2 2 4 +1 5, ओके 2 1 2, 2 8 कितना हुआ 16। तो 16 को हम किस तरह से लिखेंगे, 1.6, क्योंकि 0.8125 है और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चे सब ने 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो अपनी अपनी नोटबुक पे, इसका आंसर 1.6250 आएगा, क्लियर है। जो भी आंसर आएगा तुम 1 को इग्नोर कर दो, भूल जाओ कि 1 आया है, और फोकस करो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट पे। फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास अब क्या रह जाएगा, 0.6250, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.625। फिर से बता रही हूँ, देखो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, डेसिमल में जो तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए टू से मल्टीप्लाई करना है, टू से डिवाइड नहीं करना, सिर्फ इंटीजर पार्ट को टू से डिवाइड करना होता है, क्योंकि हम डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं। डेसिमल टू ऑक्टल होगा तो 8 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है तो 16 से डिवाइड करते हैं। उसी तरह से अगर डेसिमल टू ऑक्टल में फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ डेसिमल टू बाइनरी फ्रैक्शनल है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अगर डेसिमल टू ऑक्टल है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, और अगर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है तो मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसको पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आ गया। 1 को इग्नोर कर दो तो आंसर बनेगा 0.625। 625 को यहाँ पर कैरी में तुम नोट कर सकते हो, कैरी कितना है 1, ये कैरी जो हमारा था इसको मैंने 1 नोट कर लिया यहाँ पर, क्लियर। और ये हमारा आंसर क्या रह जाएगा, अब 0.625। अब 0.625 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.250। 0.625 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी 1.250। अगेन 1 को नोट कर लो और आंसर ले लो 0.250। अब तुम्हें लगेगा ये मल्टीप्लाई कब तक करते रहना है, तो मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक यहाँ ज़ीरो नहीं आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब 0.250 बन गया, 0.250 टू से आवाज़ साफ नहीं आ रही मैम, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी आवाज़, और किसको नहीं, नहीं जी आवाज़ नहीं आ रही मैम। मैम किसी का वॉइस ऑन है बीच में, अपना ऑडियो म्यूट रखो बेटा, मैं तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता चलता किसने ऑडियो बीच में ऑन कर लिया है। मैं अभी बता देती हूँ, रजत कुमार है, ऑडियो म्यूट करो बेटा अपना। मैं तो अभी क्या मैम बताने के लिए। अच्छा, और तो किसी का ऑडियो ऑन नहीं है इस टाइम पे, मेरी आवाज सुनाई दे रही है रजत?
नहीं मैम, कट कट सिखा ली। बेटा तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, फिर किसी और को प्रॉब्लम है वॉइस में तो मुझे बताओ। कभी कभी होते हैं मैम, वॉइस क्लियर नहीं आती एग्जांपल आपकी। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? यस मैम। हाँ तो बस उसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है यहाँ। तो मैम 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.500। 0 को नोट कर लो और आंसर रह जाएगा 0.5। ये वाला 0 नोट कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, कैरी नोट करते जाओ। अब रह गया 0.5। अब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 जब 2 से मल्टी, मैम हाँ जी स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन किसी और की आ रही थी मैम इसमें। तुम अपनी अपनी स्क्रीन पिन करके रखो बेटा, जो मेरी स्क्रीन है उसके ऊपर पिन का ऑप्शन। नहीं मैम, पिन ही थी मैम, आपके साथ दूसरे की आ गई। ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर तुम स्क्रीन पिन करके रखोगे ना बेटा, किसी की स्क्रीन शेयर नहीं होगी, कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करेगा बेटा। ऑडियो म्यूट रखना है, कैमरा ऑन रखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑडियो म्यूट रखना बेटा सबने, ठीक है। और स्क्रीन शेयर कोई भी नहीं करेगा, अगर कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है तो तुम अपनी मेरे वाली स्क्रीन को पिन करके रखो, ठीक है। आगे चलो, अब मैं हाँ जी 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ तुम देख सकते हो कैरी में 1 आ चुका है, कैरी 1 नोट कर लो और आंसर आ जाएगा 0.0। इसको कॉपी पे बेटा सिक्वेंशली करके देखना, 0.8125 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक कि आंसर 0 नहीं आ जाता। अब तुमने सारी कैरी नोट कर ली है तो फ्रैक्शनल पार्ट में जो कैरी होती है वो टॉप से बॉटम पे चलना है तुमने। तो टॉप में क्या है, 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, तो आंसर हो जाएगा 0.1101। क्लियर है? इंटीजर पार्ट में हम कैसे नोट करते थे, मैम, सब कुछ शो नहीं हो रहा अब मेरे पास स्क्रीन शो मम्मी।